और इसकी वजह से ये खेती करने के करने वाले किसानों के लिए ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, वन्य जीवन संरक्षण के माध्यम से हम मुश्किल में फंसे सांप और इंसान दोनों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो आज धाराशिव जिले के बोरी गांव में आए हैं और एक बड़ा सा सांप यहां पर इन्हें दिखाई दिया था और यहां के किसान यानी कि अक्षय मूलजे, इनका खेत है और इनको एक बड़ा सा सांप यहाँ खेत के अंदर दिखाई दिया था। तो जाहिर सी बात है, लोग डरते हैं सांप से। ज़्यादातर हम इस सांप को जब हमें फ़ोटो दिखाया, वहाँ से कांटेक्ट किया, जब इन्होंने एक फ़ोटो भेजा था, जैसे कि देखा उस कुछ अलग सांप दिखाई दिया था, एक रेड सैंड बोवा जैसा दिखाई दिया था। लेकिन ये सांप है एक कॉमन सैंड बोवा, यानी कि इसे महाराष्ट्र में दुर्क्या घोनस के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में दो मुहा सांप कहा जाता है। ये उसी का भाई है, रेड सैंड बोवा का भाई है और ज़्यादातर ये जमीन के अंदर रहना पसंद करते हैं, मिट्टी के अंदर ज़्यादातर रहते हैं ये सांप। तो एक बार आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये नकाशी देख सकते हैं, हूबहू दो मुहा सांप यानी कि रेड सैंड बोवा, जिसे हमारे महाराष्ट्र के अंदर मांडूल के नाम से जाना जाता है, जिसकी करोड़ों रुपए में बिक्री हो जाती है ऐसा एक सांप। लेकिन ये उसका भाई है, दुर्क्या घोनस नाम है इसका, दो मुहा सांप, महाराष्ट्र में दुर्क्या घोनस के नाम से जाना जाता है। ये सांप है, बाइट बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन ये ज़मीन के अंदर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं ये सांप। ये देख सकते हैं आप इसकी हूबहू नकाशी, ये बाइट बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको दिखा देते हैं इसकी हूबहू नकाशी। आप देख सकते हैं एक दो मुहे सांप की जैसी है, जो कि एक दुर्क्या घोनस के नाम से जाना जाता है और ज़्यादातर इसकी नकाशी और एक सांप से मिलती जुलती है, जिसे इंडियन रॉक पाइथन यानी कि अजगर नाम से जाना जाता है, उसी के जैसे इसकी नकाशी दिखती है, ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। ये एक दो मुहा सांप है जिसे दुर्क्या घोनस के नाम से जाना जाता है, यानी दो मुहा सांप। तो हम इसे लेकर चलेंगे, सुरक्षित जगह पर रिलीज कर देंगे। दोस्तों, ये सांप खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद सांप है, लेकिन सांप नाम से लोग ज़्यादातर डरते हैं और मार देते हैं। तो हम इनको बचाते हैं और सुरक्षित जगह पर लेकर चलते हैं। तो आज इसे सुरक्षित जगह पर रिलीज कर देंगे दोस्तों, लेकर चलेंगे। और इसकी केंचुली निकल रही है दोस्तों, ये डिब्बे के अंदर देख सकते हैं आप, इसकी केंचुली निकल रही है शायद इसकी वजह से। और इसका जो चलने का तरीका वो कुछ अलग ही है, ज़्यादातर लोग इसकी वजह से इसका तरीका एक झटका देके चलता है, जिसकी वजह से डर जाते हैं लोग ज़्यादातर। हम इसे सुरक्षित जगह पर रिलीज कर देंगे और मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।